हम बात कर रहे हैं IEX की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको फ़िलहाल छोटे मोटे अपसाइड के साथ स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 153.50 पैसे पर फ़िलहाल ट्रेड होता नज़र आ रहा है। गिरावट आई है तो स्टॉक ने 142.50 के सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक किया है। इससे पहले भी इसी लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक करके 154 तक के टारगेट दिखाए थे, 154-155 तक के। अगेन उसी लेवल को रिटेस्ट करके स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है, तो आपने इस हाई को स्टॉक ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। हमने इससे पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। 150 के ब्रेकआउट के बाद हमने 154 के लेवल को टारगेट के तौर पर डिस्कस किया था और कहा गया था यह हाई भी ब्रेकआउट होता नज़र आ सकता है। स्टॉक ने 155 तक का जम दिखाया, अपना पहला टारगेट जो था वो हिट होते हुए हमको नज़र आ रहा है। 154 से रिजेक्शन के बाद हमको बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिला। हम देख सकते हैं स्टॉक लगातार अब अपने अप ट्रेंड में है। हायर हाई चार्ट पैटर्न हमको बनते नज़र आ रहा है। बाउंस बैक के साथ इस हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है, पूरे चांस बन रहे। क्योंकि स्टॉक अपने हाई के आसपास सस्टेन हो रहा है। गिरावट के बाद स्टॉक का ट्रेंड है पॉजिटिव, अपने अप ट्रेंड में स्टॉक। जो पिलर्स यहाँ इंटर हुए वो इस लेवल में बने हुए हैं, सेलिंग के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिला और अपने हाई के आसपास सस्टेन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बनते हैं और स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। हम पहले सपोर्ट लेवल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर टारगेट की बात करते हैं, टारगेट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 150-250 इमीडिएट सपोर्ट एरिया है जहाँ से स्टॉक हमको सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। ब्रेकडाउन कर गया तो अगला सपोर्ट बनेगा जहाँ स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था, 150 का लेवल। और स्टॉक जब तक इस लो के ऊपर है, यानी 140 का मोटा मोटा मान के चलते जब तक इसके ऊपर है, तब तक बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। अब हमको नज़र रखना है इसी लेवल पर जहाँ से स्टॉक ने इससे पहले भी रिजेक्शन लिया हुआ है और अगेन इसी लेवल पर रिजेक्शन लेता नज़र आ रहा है। 3-4 दफ़ा मल्टीपल टाइम इसी लेवल पर रिजेक्शन दिखाया, लेकिन इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। 155 के ही लेवल पर नज़र रखना है। 155 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो अगला टारगेट 158-50, और इसको ब्रेकआउट कर गया तो 160 से लेके 164 तक के टारगेट IEX अब हमको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।